नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, दीपोत्सव पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। और कैसी हो रही है आपकी तैयारी पूजा की, लक्ष्मी जी के पूजन की तैयारियां आपकी कैसी चल रही हैं? तो सब लोगों ने अपने सामग्रियां तो लगा ही ली होंगी, और जब जैसे पूजा आप रात में शुभ मुहूर्त में आपको करनी है पूजा, और पूजा करने के बाद करना है एक बहुत ही ज़रूरी काम जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अपने घर में स्थिर रूप से हमेशा के लिए लक्ष्मी जी का वास कराने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाली हूँ, एक नहीं दो उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिसके करने से आप अपने घर में लक्ष्मी जी को हमेशा के लिए निवास कराएंगी और वो चिरकाल तक आपके परिवार में आपके वंश में स्थिर रूप से निवास करेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे पूजा आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, श्री गणेश भगवान का पूजन करते हैं, और इसके बाद आपको करना है एक बहुत ही ज़रूरी काम। जब खाना पीना खाने के बाद सभी हम आप भी जैसे विश्राम के लिए जाने लगते हैं ना, उसी तरीके से हमको एक काम करना है जो कि लक्ष्मी जी को आपके घर में मतलब स्थिर रूप से जो मैं बता रही हूँ वो बस आपके यहाँ वो निवास करने के लिए आएंगी, आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी और सुख सौभाग्य आपके घर में सदा सदा ही बना रहेगा। तो बस इसके लिए लेना है आपको एक चौकी, जैसे ऐसे तरह से आपने पूजा की चौकी आप लगाते हैं, जहाँ पर आप पूजा की चौकी लगाएंगे उसके बगल में ही आपको लगाना है एक चौकी, और चौकी में बिछाना है एक सुंदर सा वस्त्र। इस तरह से जैसे मैंने ये चौकी में बिछाने के लिए इस तरह से ये गद्दी मैंने बनाई हुई है, इसको आपको बिछा देना है उसमें माँ लक्ष्मी के लिए, और उस पर इस तरह से आपको छोटे छोटे से तकिया है, जैसे भी आप चाहें तो सुंदर तरीके से आप अपने विश्राम के लिए कितनी सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं ना, एक अच्छा गद्दा भी होना चाहिए, एक अच्छा सा तकिया लगाते हैं, ठीक इसी तरीके से आपको लगाना है एक बिछाना है एक गद्दी और उसमें लगानी है इस तरह से तकिया, और इसके बाद आपको हाथ जोड़ करके इस तरह से हाथों में लेना है थोड़े से अक्षत लेकर के आपको माँ लक्ष्मी को आपने आवाहन तो किया ही है, पहले से ही माँ लक्ष्मी का आवाहन श्री गणेश भगवान की पूजा करी है, तो बस आपको उनके लिए एक लगा करके गद्दी बिछानी है और उसमें उनके स्वरूप को मतलब चिन्हित करने के लिए माँ मतलब मेरे पास अभी कमल का फूल नहीं है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आपको फूल रखना है माँ लक्ष्मी के शयन कराने के लिए, और उस पर रखना है आपको एक प्लेट में थोड़ा सा मिष्ठान, एक पात्र में इस तरह से लोटे में आपको जल भर करके रखना है इस तरह जैसे, और थोड़ा सा मिष्ठान रखना है, और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है, ये पान का पत्ता जो होता है, पान के पत्ते में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, पान में शुक्रदेव पार्वती माँ गौरी श्री हरि विष्णु सभी का निवास होता है, और माँ लक्ष्मी का तो बहुत ही प्रिय है पान, तो बस आपको बस एक काम करना है, जैसे ये पान होता है ना इसकी डंडी को आपको हटा देना है, जैसे इसको तोड़ करके आपको हटा देना है, ऐसे एक पान रखना है, पान के ऊपर रखना है दो लौंग, इस तरह से फूल वाली लौंग रखनी है आपको, दो लौंग रखनी है, एक इलायची रखना है और थोड़ी सी रखना है उसमें मिश्री, इस तरह से मिश्री रखना है, और इसके बाद आपको रखना है ये कौड़ियाँ 5, 7, 11 आप जितनी भी चाहें कौड़ी आप इसमें यहाँ पर रख सकते हैं, और इसके बाद आपको हाथ जोड़ करके विनती करना है कि हे माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में पधारें, मेरे घर पूजा को स्वीकार करें, मेरी विनती को स्वीकार करें और मेरे घर में सदा सदा के लिए निवास करें, विश्राम करें और यहीं पर स्थिर रूप से मेरे घर में आप निवास करें। इस तरह से करने के बाद बस अब आपको अपना खुद से भी आपको विश्राम करना है और बस आपको कुछ नहीं करना है, शयन करना है, और जब सुबह का समय जब होता है ब्रह्म मुहूर्त में आपको जब उठना है 4 बजे 5 बजे जितने भी टाइम आप उठते हैं उस समय आपको उठना है 4 बजे, तब आपको एक बहुत ही ज़रूरी एक काम और भी करना है, जैसे ये सूप होता है ना, ये सूपा बोलते हैं जिससे अनाज फटकते हैं, ये सूपा है ये इस तरह से, तो ये सूपा आपको लेना है
और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके आपको ये सूपा लेकर के इस तरह इसको पकड़ना है और एक डंडी की सहायता से, लकड़ी से, आप किसी भी चीज़ से लेकर के और इस तरह से ऐसे ऐसे आपको बजाना है और पूरे घर में आपके जितने भी कमरे हैं सब जगह जा करके आपको ऐसे ऐसे मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि दरिद्रता, इस तरह से आप दरिद्रता और घर के अंधेरे को हटा रहे हैं और कहते हुए आपको घर के मेन गेट तक जाना है। तो ऐसे ही आपको एक सूप ले करके इसको बस ऐसे करके बजाना है और कहना है, काले भौड़े अंधियारे घर से तू जा भाग, तेरा यहाँ कोई काम नहीं अब जागे मेरे भाग। जैसे कि मतलब काले भौड़े अंधियारे का मतलब है काले कुरूप अंधेरा, मतलब अब मेरे घर से जा, दरिद्रता मेरे घर से जाए और माँ लक्ष्मी मेरे घर में आए और सुख समृद्धि की बरसात मेरे घर में करें और स्थिर रूप से हमेशा के लिए मेरे परिवार में, मेरे वंश में निवास करें। तो बस सुबह 4 से 5 के बीच में आप ये काम जरूर से करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर किस तरह से बरस रही है। तो मिलती हूँ बस अगले वीडियो में। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं मुझे ये आप कमेंट करके जरूर से बताएं। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, नमस्कार, धन्यवाद।